なるほど。 हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस सैनिक क्लासेस आज आप लोगों के लिए एक अनाउंस कर रहा है कि मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए एक कंडक्ट किया जाएगा जो कि आपके सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा पर आधारित होगा किस प्रकार के प्रश्न आपके सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और उसी से रिलेटेड एक मॉक टेस्ट कराने जा रहा है जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न इस मॉक टेस्ट में आएंगे उसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को फेस करने के लिए मिलेगा आपके सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में ओके तो आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि उसी पर आपको मॉक टेस्ट का लिंक शेयर किया जाएगा जितने विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन रहेंगे उन्हीं लोग सिर्फ उस मौके का फायदा उठा सकते हैं अन्यथा कोई रिस्पांस नहीं मिल पाएगा आप लोगों को तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन रही आपके मॉक टेस्ट से रिलेटेड तो वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं फिर भी अब बात आई मॉक टेस्ट कैसे देंगे उसके लिए क्या प्रक्रिया है मैं एक फॉर्म शेयर कर रहा हूं जो कि टेलीग्राम चैनल में है उसे आप लोग फिल करिए फिल करने के बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट देने का एक लिंक दिया जाएगा वहां से आप लोग अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं ओके तो सबसे पहले मैं आप लोग को फॉर्म दिखा देता हूँ फॉर्म किस प्रकार को होगा उसमें क्या क्या डिटेल भर तो देखिए जब आप लोग फॉर्म के लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 मॉक टेस्ट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल मॉक टेस्ट अखिल भारतीय सैनिक स्कूल मॉक टेस्ट फॉर क्लास सिक्स तो सबसे पहले आपको इसमें फिल करना होगा आपका ईमेल आईडी ईमेल आईडी आपको जरूर फिल करनी होगी नहीं तो यह फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा ठीक है तो सबसे पहले आप लोग को इसमें ईमेल आईडी फिल करनी होगी उसके बाद आपको अपना नाम इसमें दर्ज करना होगा नेम छात्र या छात्रा का नाम बताना होगा इसमें लिखना होगा अपना कैपिटल लेटर में लिखिए ओके सभी के सभी जो डाटा फिल करेंगे आप लोग कैपिटल लेटर में ही फिल करिएगा ठीक है फिर अपने पिताजी का नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स फादर नेम स्टूडेंट्स मदर ने माता जी का नाम लिखना है आप लोगों को उसके बाद आप लोगों ने किस सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा है सैनिक स्कूल अमरावती का भरा है कि सैनिक स्कूल बीजापुर का भरा है कि सैनिक स्कूल रीवा का भरा है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का भरा है आप लोग जिस सैनिक स्कूल का फॉर्म भरे होंगे वहां पर इस पे नाम लिखेंगे सैनिक स्कूल घोड़ा खाल का लिखेंगे ठीक है और अपना अप्लीकेशन नंबर पर लिखिएगा ठीक है सैनिक स्कूल का नंबर जब आप लोग फॉर्म फिल किए होंगे तो फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ एक अप्लीकेशन नंबर आता है उसी पर लिखा रहता है वो इसको फिल करिएगा और उसके बाद रोल नंबर आपको मालूम होगा तो रोल नंबर फिल कर दीजिएगा नहीं तो छोड़ दीजिएगा ठीक है और अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर फिल करिएगा और अपने पूरा एड्रेस फिल करना है फुल एड्रेस डालिएगा उसके बाद यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना होगा ठीक है उसके बाद अपने स्टेट का नाम डाल दीजिए आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं ठीक है और फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करिएगा जो कि व्हाट्सएप नंबर से अटैच हो सिर्फ वही अपना नंबर डालिएगा इसमें ठीक है और यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है तो यदि नहीं ज्वाइन करेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी भाई उसी पर आप लोगों को पेपर सेंड किया जाएगा ठीक है ओके और लास्ट में यहां पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहां से अपना ओके कर सकते हैं उसके बाद फाइनली सबमिट का ऑप्शन आएगा वहां से सबमिट कर सकते हैं ओके You? You चलिए तो आप लोगों ने समझ गया तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो तो ज्वाइन नहीं करेंगे और साथ ही साथ में जो फॉर्म अभी आप लोगों को दिखाया गया है उस फॉर्म को फिल करना है फॉर्म फिल करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहां से फिल कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा ठीक है और जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा यदि मान लीजिए आप लोग फॉर्म तो फिल कर लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही नहीं किए तो आप लोग मॉक टेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे ठीक है तो मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही एक समझ लीजिए अपॉर्चुनिटी है देने की जी हाँ जहां से आप अपने तैयारी किस प्रकार की है वहां से अपना पता कर सकते हैं ठीक है चलिए और इसी के साथ मैं अब अलविदा करता हूं ओके बाय बाय टेक केयर ऑल ऑफ यू जय हिंद जय जै भारत बंदे मातरम